गुड मॉर्निंग गाइस एंड होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। और आज मौसम इतना ठंडा है, बारिश होने का मौसम है और ये मेरा GoPro Hero 11 का फर्स्ट मोटो ब्लॉग है। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को मोटो ब्लॉग पसंद आएगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और ताकि आप लोगों को ऐसे नज़ारे देखने को मिले। और आज हम लोग क्यूट रिएक्शन कैप्चर करेंगे सुपर बाइक्स का, देखते हैं लोगों के क्या रिएक्शंस आते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बारिश हूँ काफ़ी, बहुत पहले कर चुका, लेह लद्दाख गया था तब भी गया था और अब भी कर रहा हूँ थोड़ा सा। और यार इस बाइक में एक इशू है, पॉल्यूशन जल्दी निकालो। इसका जो फ्यूल मीटर है ना, वो बिल्कुल सही नहीं दिखाता है बिल्कुल। कभी एफ इंडिकेशन वाला आने लगता तो वो एफ ट्रिप आता ही नहीं। तो सामने देखो, रिएक्शन लेते हैं। अरविंद जा रहा है, रिएक्शन लेते हैं। तो अरविंद आ रहे हैं तो जल्दी पहुंचते हैं ऑफिस, बारिश होने को है। बहुत तेज बारिश हो जाएगी तो फिर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और रिएक्शन भी कैप्चर करने हैं लोगों के, क्योंकि आई कैची बाइक है तो थोड़ा सा रिएक्शन रहेगा। बट नॉट लाइक दैट कि उस तरीके का, और तरीका हमारा सही होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। कोई रैप अप नहीं देंगे एक्सेलेटर का, नॉर्मल चलाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन कैप्चर करेंगे हम लोग। और ये देखो भाई, ओ माय गॉड, एज आई हैव ऑलरेडी शेयर विद माय इंस्टा स्टोरी, क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी ऐड कर चुका था कमेंट्स वगैरह लोगों के, जिन लोगों ने मेरे वीडियोस पे कमेंट करे हैं। यार काफ़ी अच्छे अच्छे लोग, मोटिवेट करने वाले लोग हैं, और उन्होंने कमेंट करके बोला यार भाई आपका वीडियो बहुत पसंद है, मैंने सारी वीडियो आपकी देखी है। तो यार ऐसे ही यार मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। दैट इज़ नॉट अ करियर, बट इन द टर्म्स ऑफ आई एम शेयरिंग माई लाइफ, है ना, मैं अपनी लाइफ के कुछ पल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप लोगों को यार जैसे भी प्यार दो, अपना सपोर्ट करो जल्दी से, तो दैट के हम लोग एक लंबी राइड कर सकें। और इसी महीने का मेरा राइड है आने वाला, आदि कैलाश पर्वत का। तो देख रहे हो भाई, रिएक्शन कैप्चर कर रहे हैं हम लोग। देख रहे हो रिएक्शन, देख रहे हो रिएक्शन कैप्चर हो रहा है। और इधर से गाड़ी वाले आंटी भी देख रही है, लड़की भी देख रही है। तो रिएक्शन कैप्चर हो चुका है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस आ रहे हैं। तो यार ऐसी रिएक्शन आप लोगों को, आप लोग मोटिवेट करते हो। और यार एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना स्पीड मेंटेन करके चलें, और अगर आपको स्पीड करनी है तो नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं भाई, कोई रिएक्शन नहीं। चलो आगे कैप्चर करते हैं फिर से रिएक्शन। अब बारिश हो जाए यार, उससे पहले मैं पहुँच जाऊँ डेस्टिनेशन पर, सो मेरे लिए ईजी रहेगा। यार जल्दी से कॉमेंट करके बताओ यार आप लोग, और अगला ब्लॉग का इंतज़ार करो। ये ब्लॉग मेरा आज है 1 जून, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम है, टाइम हो रहा है 9:59, 10 बजने को हैं, और ठीक एक हफ्ते बाद मेरी राइड शुरू होने वाली है टूवर्ड्स उत्तराखंड, और वो उत्तराखंड की राइड इसी बाइक में होगी, और मीटियोर 350 का और GT इंटरसेप्टर 650 का रिव्यू मैं एक साथ दूंगा। और अभी मैंने ऑलमोस्ट ये बाइक चला चुका हूँ 1000+ किलोमीटर्स, और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अभी तक मेरा। तो और सोच रहा हूँ इसे भी एक बार जांचकार के दर्शन करा दें, बट काफ़ी लंबा वीडियो बन गया। लाइक करो, शेयर करो, तब तक के लिए आप लोग को मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टाटा।
गाइस गुड इवनिंग। और आज के दिन मॉर्निंग का ब्लॉग भी शूट किया और अभी वापसी का ब्लॉग भी शूट कर रहा हूँ। तो पूरा दिन यार क्या होता है ना, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहता है, तो थोड़ा वीडियो बना के थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। तो यार मैं जब भी एकदम से डिमोटिवेट होता है ना, तो मेरे को सेल्फ मोटिवेट करने में ये बहुत मदद करता है। और यही यार लाइफ, खुश रहो, हमेशा खुश रहना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आते रहेंगे, सो वो तो कम होने को है नहीं। तो यही एकमात्र एक रास्ता है जिससे हम लोग खुश हो सकते हैं। और देखो भाई रिएक्शन देखो, ऐसी वीडियोस बनाने का मन तो नहीं, बट क्या करूँ, कंटेंट बनाने को है नहीं, कहीं जाने को, जाने का भी कुछ सीन है नहीं फिलहाल। नेक्स्ट वीकेंड पे प्लान है, तो तभी आप लोगों को पहाड़ों के सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे मोटो ब्लॉगिंग के साथ। और काफ़ी अच्छा लगा यार, पहले मैं फर्स्ट टाइम पे ब्लॉगिंग किया तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और अभी आप देखो मोटो ब्लॉगिंग ट्रैफिक में, और रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं अभी काफ़ी, बट मैं कोशिश ये करूँगा यार तेज़ ना चलाऊँ, क्योंकि लंबे रेस का जो घोड़ा रहता है ना वो बनना है। यही है, यही थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है माइंड में, तो अच्छे से चलाएंगे तो यार रहेंगे, आगे राइड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टू व्हीलर पे काफ़ी एक्सीडेंट सुनने को मिल रहे हैं। और यार क्योंकि यार जान है तो जान है जो भी है, और किसी के साथ बुरा मत करो, यही कहना चाहूँगा। और जितना हो सके यार लाइफ जियो, क्योंकि कल का कुछ भरोसा नहीं है। तो यही, इसीलिए मैं अपनी लाइफ पूरी एंजॉय करता हूँ, घूमता हूँ यार, क्योंकि कल को ना अफसोस में रह जाए, ये नहीं किया वो नहीं किया। जिस जगह पे भी आप कर रहे हो काम, डू योर 100%, है ना, अपना एफर्ट 100% दो, कुछ तो रिवॉर्ड मिलेगा, 2% 3%, है ना। रिजल्ट की टेंशन नहीं करनी है आपको, जो मेहनत आप कर रहे हैं ना उसका टेंशन लेना है, दैट कि आप कितना एफर्ट कर रहे हैं। कहीं कई बार होता है थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है इंसान की यार मेहनत करे जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट की ओर वो चले जाता है, और एक लेवल ऐसा आता है एकदम इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, सारी चीज़ें आने लगती हैं। सो यार मैं यही कहना चाहूँगा, खुद को ना मोटिवेट करो। देखो भाई कितना बड़ा अलॉय व्हील लगा रखा है XUV 300 में, और कुछ प्लान्स हैं वो मैं मॉर्निंग के ब्लॉग में भी बोला था, तो मेरा अभी पूरा फोकस उस प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में है। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा देन आई विल रिवील इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, और आप सभी लोग भी इन्वाइटेड हैं। जब भी वो रिवील होगा तो पहला ओपनिंग आप लोगों के साथ कराऊंगा मैं अपना। तो यार सोचा है, क्योंकि ना अभी से, क्योंकि मैंने ना सपनों को सच होते हुए देखा, तो एक सपना और है, तो वो भी उम्मीद है मुझे बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि यार मेहनत बहुत लगती है। आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, आप वैसे नहीं होते हैं। आपका जो पीछे के जो आवर्स होते हैं ना, वर्किंग आवर्स, दैट मैटर्स, है ना। घर जाके आप क्या करते हैं, किस पर्टिकुलर वे में अपना टाइम कोऑर्डिनेशन है आपका काम के लिए, वो मैटर करता है। आप कभी आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं, वेदर इट इज मनी, वेदर इट इज अ वर्क, चाहे किसी का हेल्प करना हो, कुछ करना हो, तो ये सारी चीज़ें को लाइफ लेसन सिखाता है। मेरा भी यही है, लेह लद्दाख जब किया था तो मेरा बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था, डरने लग गया था, इवन मैं डर रहा था अपने घर वालों को तक, मैं इन्हें कुछ नहीं बताया मैं लेह लद्दाख कर रहा हूँ। और एट लास्ट मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया, यार मन नहीं है जाने का, बट क्या करूँ, सारा कुछ सामान वामान परचेज कर चुका हूँ और बाइक भी रेडी है, काफ़ी खर्चे बहा चुका हूँ, बहुत सारा पैसा, तो अब नहीं जाऊँगा तो ये तो मूर्खता हो जाएगी कि
कहे हुए वचन पे आप वचनबद्ध नहीं है, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा हैक्टिक था। फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, यार क्यों, यार मैं क्यों नहीं जा सकता। तो फिर कोशिश किया, अपने को मोटिवेट किया, तब मैं निकल गया यहाँ से नाइट में। और चंडीगढ़ मनाली होते हुए मैं अगले दिन मॉर्निंग पहुँचा आपका मनाली पे। और मनाली से थोड़ा सा आगे पहुँचा, मेरे को मेरे मन में एक मेरा ना एक मैं यूट्यूब चैनल फॉलो करता हूँ एक्सप्लोर द अनसीन, वो दारचा बोलते हैं या कुछ बोलते हैं जिस्पा, हाँ जिस्पा में अटल टनल के बाद उन लोगों ने कैंपिंग की थी। सो आई थॉट कि यार वहीं पे कैंपिंग करेंगे यार नाइट टू स्टे, जिस्पा में करता हूँ और कल सुबह ले के लिए निकल जाऊँगा। सो फिर मेरे को लगा अभी तो दिन बहुत है, तो शाम होते होते तो आधा रास्ता कवर हो ही जाएगा मेरा। फिर मैंने टांडी पेट्रोल पंप पड़ता है जो कि लास्ट पेट्रोल पंप था, आप केलोंग में भी है, आप लोग केलोंग में भी फ्यूल अप करा सकते हो। तो टांडी पे मैं रुका था फ्यूल अप कराने के लिए, मेरा मन था कि टांडी से वापस चला जाऊंगा मनाली, तो उधर ही तक मेरा राइड करने का प्लान था। तब मुझे कुछ मित्र मिले, तीन जने मिले मेरे को और एक चौथे जने भी फिर हमें मिल गए थे, तो हम पांच जने ज्वाइन कर लिए थे एक ग्रुप को। काफ़ी अच्छा लगा यार, आदित्य, सुधांशु और कुशवाहा भाई, तो ये सब लोग मिल गए थे। तो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, यार आप इतनी दूर से आ गए हो, चलो हमारे साथ चलो। तो उनके साथ मैं निकल गया सरचू के लिए। तो पहला स्टे हम लोगों ने सरचू किया, नाइट में बाइक राइड करी, काफ़ी मज़ा आया। HJG के फॉग लैंप्स मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था, तो मुझे कोई ज़्यादा टैकल नहीं करना पड़ा, पर उन लोगों को भी हेल्प हो गया क्योंकि तो थोड़ा सा रोशनी थोड़ा सा रहती तो आपको राइड करने में प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है। तो ये सब कुछ था। फिर मैं मोटिवेट, फिर मेरे अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा भर चुकी थी। फिर मैंने उन लोग के साथ रुका, अगले दिन हम लोग ने सरचू से सीधा ले किया और इवनिंग में हम लोग ले पहुँचे। ले में फिर हम लोगों ने घूमे फिरे और नेक्स्ट डे मैं पूरा ले सिटी अपने दोस्तों के साथ घूमा जो मुझे टांडी पर मिले थे। और उन लोगों को मैंने फिर अलविदा बोला, फिर मैं निकल गया अपने लक्ष्य की ओर को, जिस लक्ष्य को मैं साधते हुए गया था उमलिंगला करना है। तो फिर मैंने उमलिंगला पास किया जो कि मेरा एक सबसे बड़ा ड्रीम था यार, वो तब कभी सोचा नहीं था यार मिटियोर 350 को लेके मैं अपने सपनों को पूरा करने चल पड़ूंगा। और वापस से मैंने सेम सपना देखा है जिस चीज़ के लिए मैं आई एम वर्किंग हार्ड, whether it is you can say money, you can say my effort into my dreams, ठीक है ना। अपने सपनों में मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं होती, इन्वेस्टमेंट पैसा कुछ मैटर नहीं करता, बस मेहनत मेहनत मेहनत, और यही है ज़िंदगी यार। आप लोग बताना कमेंट करके आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई, पसंद नहीं भी आई यार आप लोग भी अपनी स्टोरी शेयर करो, सो दैट कि मैं खुद मोटिवेट हो पाऊँगा आपका कॉमेंट्स देख के, ठीक है ना। तो ये कुछ मेरी स्टोरी थी। और अभी तो यार लंबी लंबी राइड्स करनी है मुझे, बहुत लंबा लंबा ड्रीम अचीव करने हैं।